सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। अबॉर्शन किट को लेने के बाद आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि आपका जो अबॉर्शन का प्रोसेस था वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है? उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हो, कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं, यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैम चैनल, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, किसी भी अबॉर्शन किट में आपको 5 टैबलेट मिलती हैं। अगर आपने इन किट्स का यूज़ बिल्कुल सही तरीके से किया है, बिल्कुल राइट मेथड से किया है, और इसका कोर्स आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपकी जो प्रेगनेंसी थी वो टर्मिनेट हो चुकी है और आपका जो अबॉर्शन प्रोसेस था वो सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ है? उसके लिए आप काफ़ी सारे टेस्ट करवा सकते हो और काफ़ी सारे साइन और सिम्टम्स हैं जिनके आधार पर आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कि आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई है या नहीं हुई है, या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो पहले तो मैं आपको साइन और सिम्टम्स के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको टेस्ट के बारे में बताऊँगा कि इन टेस्ट को कब और कैसे करवाना चाहिए और कब ये टेस्ट फेक रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए पहले साइन और सिम्टम्स की ओर चल लेते हैं। तो गाइस देखिए, जो पहला साइन और सिम्टम है वो है ब्लीडिंग। अगर इन किट को लेने पर, जो इस किट की पहली गोली है मिफेप्रिस्टोन, इस टैबलेट को लेने पर आपको जो अबॉर्शन प्रोसेस था वो शुरू तो हो जाता है, लेकिन अबॉर्शन के जो साइन ऑफ सिम्टम्स होते हैं, हैवी ब्लीडिंग, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमन क्रैम्स, हेडेक, बैकएक और डिजीनेस वगैरह, ये साइन ऑफ सिम्टम्स मिफेप्रिस्टोन टैबलेट को लेने पर शुरू नहीं होते हैं। ओके, इस किट की जो अगली टैबलेट की डोज है मिसोप्रोस्टोल, इस टैबलेट को लेने पर 30 से 4 घंटे के बीच में आपको एब्डोमन क्रैम्प्स के साथ हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और ये जो ब्लीडिंग है ये 24 घंटे तक ज़्यादा रहती है और धीरे धीरे कम होती है, जो कि 10 दिन तक होकर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको ब्लीडिंग शुरू हुई है 24 घंटे तक और आपको 10 दिन तक ये ख़त्म हो चुकी है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि जो आपका अबॉर्शन प्रोसेस था वो पूरी तरह से सफल तरीके से पूरा हो चुका है। लेकिन अगर आपको इस किट को लेने पर बहुत ही लाइट ब्लीडिंग होती है, बहुत ही लाइट स्पॉट देखने को मिलता है, ब्लीडिंग अगर आपके पीरियड्स में होने वाली ब्लीडिंग से कम है, तो ऐसा माना जाता है कि इस किट ने काम नहीं किया और आपका जो अबॉर्शन प्रोसेस था वो पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही अगर आपको ब्लीडिंग काफ़ी लंबे समय से है, काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हो रही है, और अगर आपको ये हैवी ब्लीडिंग 10 दिन से लगातार बनी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो अबॉर्शन था वो पूरा नहीं हुआ, ये एक इनकम्प्लीट अबॉर्शन है जिसके चलते आपको आगे DNC करवानी पड़ सकती है। तो ये एक साइन और सिम्टम्स था। अगला है क्रैम्पिंग का। अगर आपको इस किट को लेने पर 24 घंटे तक हैवी क्रैम्पिंग देखने को मिल रही है अपने एब्डोमन रीजन में, और ये 24 घंटे में ज़्यादा होकर कम हो गई है 10 दिन तक, बीच बीच में होती है कभी कभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये एब्डोमन क्रैम्पिंग ज़्यादा है पेन किलर खाने के बाद भी बनी हुई है, और साथ में आपको वजाइनल डिस्चार्ज भी हो रहा है और वजाइनल ब्लीडिंग भी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस किट ने काम नहीं किया और आपका जो अबॉर्शन प्रोसेस था वो पूरा नहीं हुआ। तो ये भी एक साइन ऑफ सिम्टम्स है इनकम्प्लीट अबॉर्शन के। साथ ही कुछ साइन ऑफ सिम्टम्स ऐसे भी हैं जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होते हैं, जैसे ब्रेस्ट टेंडरनेस या फिर नोजिया वोमिटिंग, जो कि मॉर्निंग के टाइम ज़्यादा होते हैं, खाने का मन नहीं करता है, लॉस ऑफ एपेटाइट और लोअर एब्डोमन पेन, बैक पेन, डिजीनेस या बीमार सा महसूस होना, और थकान महसूस होना, लेथर्जी महसूस होना, ये कुछ साइन ऑफ सिम्टम्स थे आपके प्रेगनेंसी से रिलेटेड। अगर ये साइन ऑफ सिम्टम्स जो के तो बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपका अबॉर्शन प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो प्रेगनेंसी के साइन ऑफ सिम्टम्स थे, नोजिया, वोमिटिंग मॉर्निंग के टाइम, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर था मॉर्निंग के टाइम अगर वो ज़्यादा है, या फिर आपको पेट भारी भारी महसूस होता है, लिथर्जी अभी भी है, चक्कर आते हैं, पैर आपके भारी भारी महसूस होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका अबॉर्शन प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी साइन ऑफ सिम्टम्स महसूस नहीं होते या फिर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अबॉर्शन प्रोसेस पूरा हो चुका है।
लेकिन गाइस ये चीज़ें कंफर्म नहीं करती हैं। कंफर्म करने के लिए आपको टेस्ट करवाना होगा, और टेस्ट है पहले नंबर पर अल्ट्रासाउंड, जो कि आपको इस किट के लेने के 14th डे पर करवाया जाता है, जो कि ये डिटेक्ट करता है कि आपका अबॉर्शन पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अल्ट्रासाउंड हर कोई कपल नहीं करवा सकता, हर कोई फीमेल नहीं करवा सकती, अपनी मजबूरी होती है। तो उसके लिए दूसरा टेस्ट होता है, वो है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसे आप घर पर कर सकते हैं। लेकिन इस टेस्ट को करने में कई कपल्स, कई फीमेल्स जल्दबाजी कर देते हैं। देखिए गाइज, जो ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है, इसमें जो किट यूज़ की जाती है ना, वो एक बेटा एससीजी हार्मोन पर बेस्ड होता है। बेटा एससीजी हार्मोन, जिसे ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन बोला जाता है, ये प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो जब ये ब्लड स्ट्रीम में होता है, तो आपकी जो किडनी है, ये खून को फिल्टर करती हैं, खून को छानती हैं किडनीज। तो किडनी जब खून को फिल्टर करती हैं, तो यूरिन के साथ में इस हार्मोन को भी फ्लश आउट करती हैं। और ऐसी कंडीशन में जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है। ऐसे ही जब आपका अबॉर्शन हो जाता है, तो कुछ समय के लिए बेटा एससीजी हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में एक्टिव रहता है, ठीक है, कुछ समय के लिए, मिनिमम 21 दिन तक ये एक्टिव रहता है। अगर आप 21 दिन के अराउंड या उससे पहले अगर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, तो आपको हल्की पिंक लाइन देखने को मिल सकती है। इसीलिए आपको ये टेस्ट 28 दिन के अराउंड ही करवाना चाहिए, ताकि आपको सही रिजल्ट मिल सके। ओके, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, और 28 दिन के बाद ही आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करें। लेकिन गाइस, बिल्कुल श्योरिटी और कन्फर्मेटरी के लिए आपका पीरियड का आना जरूरी है। जब आपको अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा, तो आप ये मानकर चलें कि आप 100% प्रेग्नेंट नहीं हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।